फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्रोशिया का एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 20 चैन बुन ली है। और देखिए, इसकी जो फर्स्ट रो बुनेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो कैसे बुनेंगे ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्रोशिया का एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 20 चैन बुन ली है। और 20 चैन बुनने के बाद आपने जिसकी फर्स्ट रो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए 1 2 3, यानी तीसरे चैन में आपने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुनना है। अब आपने फ्रेंड फर्स्ट रो में हर चैन में आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। ये बहुत इजी और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, इसे बिगनर्स भी इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए सेकंड रो बुनेंगे, तो सेकंड रो बुनने के लिए आपको इस तरह से एक चैन बुन के पलटना है। पलटने के बाद देखिए, यहाँ आपने आपने फर्स्ट चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया से फंदा बनाया, फिर दो बार फंदे, यानी कि दो फंदे बना लिए। और अब इन तीनों फंदों को एक साथ बुन देंगे। फिर देखिए, आपने जिसमें आपने बुना था उसी में आप एक बार और फंदा बनाएंगे, ए, और फिर सेकंड चैन में दो, फिर इन तीनों को एक साथ बुनेंगे। देखिए फिर इसी में बुनेंगे एक बार इस तरह से, एक और दो, और फिर इन तीनों को एक साथ बुनेंगे। फिर देखिए इसी में बुनेंगे एक दो, और इन्हें इस तरह से, देखिए जिसमें मैंने बुना है उसमें एक बार, इसमें एक बार, फिर इस सेकंड चैन में एक बार, इस तरह से, फिर इसी में एक बार बुना, एक और दो, दो फंदे बनाए, और फिर इन तीनों को एक साथ बुन दिया। फिर इसी में एक बार दो, और फिर इन तीनों फंदों को एक साथ बुन दिया। फिर इसी में एक बार बुना, एक फंदा इसमें से बनाया, एक नेक्स्ट चैन में से बनाया, और इन तीनों को बुन दिया। देखिए इसमें, फिर सेकंड में, और इन तीनों को एक साथ, फिर इसी में, फिर सेकंड में, इन तीनों को एक साथ, देखिए इसी में एक और दो, दो फंदे बना लिए, फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे। ये देखिए, इसमें लीजिए एक दो, और इनको एक साथ, फिर ये देखिए एक दो, और इन तीनों को एक साथ, फिर देखिए एक दो तीन, फिर देखिए एक दो, और इन तीनों को एक साथ बुनेंगे। फिर देखिए एक, और इन दोनों को इस तरह से बुन देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए फ्रेंड, अब हम थर्ड रो बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने व्हाइट कलर से उनको जोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए फिर आपने यहाँ ये इस धागे को इसके पीछे ही रखेंगे, क्योंकि हमने एक रो व्हाइट से बुननी है, एक रो रेड से बुननी है, इस तरह। तो देखिए दो तीन, तीन फंदे हो गए, इन तीनों को एक साथ बुनेंगे। फिर देखिए एक दो फंदे, और फिर इन तीनों को एक साथ बुनेंगे। फिर देखिए ये हमारी थर्ड रो है। और फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन में आपने सिर्फ थर्ड रो ही रिपीट करनी है, इन तीनों को एक साथ बुनिए। ये देखिए, अब इसी में एक बार, और सेकंड में दो, फिर इन तीनों फंदों को एक साथ बुनिए। फिर देखिए
इस तरह से। फिर देखिए एक दो, फिर इसमें एक और नेक्स्ट में दो सिंगल को सिर्फ आपने फंदे बनाने हैं। फिर इसी में तो इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से थर्ड रो भी देखिए कंप्लीट हो गई और ये देखिए डिज़ाइन इस तरह से बनकर आएगा। बस फ्रेंड्स आपने ये थर्ड रो रिपीट करनी और आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।